यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हे गाइस, दिस इज अर्जागम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 37 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। यदि आप इसी तरह के यूजफुल वीडियोज रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। यदि आप इसका प्रीवियस एक्सरसाइज देखना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड बुक्स के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना चाहिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। विदाउट पेशेंस यू कांट गेन एनीथिंग, कहते हैं ना बिना धैर्य के आप कुछ भी नहीं पा सकते हैं। तो आपको पेशेंस के साथ कंप्लीट वीडियो देखना होगा, तभी आप बेहतर समझ पाओगे। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता दूंगा, जिसकी सहायता से आप इजीली इस तरह के अनुवाद को ट्रांसलेट कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस कंप्लीमेंट, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, इसकी सहायता से आप इजीली इस तरह के अनुवाद को ट्रांसलेट कर पाओगे। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि आई के साथ एम लगाना है हमेशा, वी के साथ आर लगाना है और यू के साथ भी आर लगाना है, ठीक है। यू चाहे सिंगुलर नंबर में हो चाहे प्लूरल नंबर में हो, हमेशा इसके साथ आर लगाना है, ठीक है। अब ही या फिर सी या फिर इट या फिर कोई भी एक नाम हो गया आपका, राम सीता मोहन सोहन कुछ भी, या फिर द ऑक्स, ठीक है, या फिर द बुक या फिर द काउ, ठीक है, या फिर मदर या फादर, ठीक है, ठीक है। तो He, she, it, Ram, the ox, the book, the cow, ठीक है, मदर फादर, इस तरह का कोई भी यदि सब्जेक्ट के रूप में होगा तब उसके साथ आपको क्या लगाना है, इज लगाना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थर्ड पर्सन का जो प्लूरल नंबर होता है, ठीक है, जैसे कि हो गया दे, ठीक है, या फिर एक से अधिक नाम जैसे कि राम हो गया एंड श्याम हो गया, ठीक है, या फिर मान के चलो द ऑक्सन हो गया, ठीक है, या फिर द बुक्स हो गया, या फिर मान के चलो द काउज हो गया, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी रहेगा जो कि थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है तो इसके साथ हमेशा आपको क्या करना है, आर लगाना है, ठीक है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है और इसकी सहायता से आप इजीली इन्हें ट्रांसलेट कर पाओगे। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा। पहला अनुवाद है कि राम तैयार है। राम देखो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ठीक है, तो पहले राम लिख लिए, राम के साथ इज आएगा तो इज लिख दिए। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, सब्जेक्ट उसके बाद एम इज आर में से कोई भी एक, देखो यहाँ पर है ना एम इज आर, इसमें से कोई भी एक आपको प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इज आ गया, हो गया। अब इसके बाद कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट मीन्स होता है वाक्य का पूरक, ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीमेंट क्या है, तैयार, तो इसका इंग्लिश यहाँ पर लिख देंगे रेडी, ठीक है, राम तैयार है, राम इज रेडी, इजीली बना दिए। अब है राम और श्याम तैयार है, तो पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं राम एंड श्याम। अब आप देखो सब्जेक्ट जो है सो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, यहाँ वाला है ना राम एंड श्याम, और इसके साथ आर लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आर लिख देंगे। अब इसके बाद कंप्लीमेंट, तो रेडी लिख देंगे, ठीक है, राम और श्याम तैयार है, राम एंड श्याम आर रेडी। इसी तरह से आप इजीली इन्हें ट्रांसलेट कर पाएंगे, ठीक है। सीता सुंदर है, देखो सीता थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है, ठीक है, कोई भी एक नाम है तो इसके साथ इज लगेगा, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ब्यूटीफुल, ठीक है, सीता सुंदर है, सीता इज ब्यूटीफुल। अब देखो सीता और गीता एक से अधिक नाम है, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो गया, ठीक है, तो पहले लिख लेंगे सीता एंड गीता, ठीक है। अब इसके साथ आर लगेगा,
फिर कॉम्प्लीमेंट, सीता और गीता सुंदर है, सीता एंड गीता ब्यूटीफुल। अब यह पुस्तक अच्छी है तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द बुक। अब देखो सब्जेक्ट क्या, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, द बुक यहाँ पर था, इसके साथ क्या बताया था मैंने, इज बताया था, तो यहाँ पर इज लगा देंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट में गुड है तो गुड लिख देंगे, ठीक है। पुस्तक अच्छी है, द बुक इज गुड, पहले सब्जेक्ट फिर एमिजार फिर कॉम्प्लीमेंट। अब ये पुस्तकें अच्छी हैं, सब्जेक्ट देखो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, यहाँ पर जैसे कि है द काउच, द ऑक्सीजन, द बुक्स, यहाँ पर है ना, तो यही है, तो इसके साथ आ रहेगा, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द बुक्स आर गुड। अब आप बोलोगे कि सर आपने बुक्स के पहले द क्यों लगाया, वैसे तो द का प्रयोग जनरली सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले या सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, बट यहाँ तो नाउन प्लूरल है, फिर द इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर निश्चितता का बोध कराना है, क्योंकि कहने वाला जो वक्ता है पुस्तकें अच्छी हैं उसे पता है कि किसी पार्टिकुलर किसी विशेष पुस्तकों के विषय में कह रहा है कि पुस्तकें अच्छी हैं, अर्थात यहाँ पर निश्चितता का बोध कराने के लिए द का प्रयोग किए हैं, ठीक है। अब एक गाय काली है तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द काउ, अब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ ई जाएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट ब्लैक, ठीक है। गाय काली है, द काउ इज ब्लैक। अब एक गायें काली हैं तो पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे द काउच, यहाँ पर भी सेम थिंग है, निश्चित गायों का जिक्र है इसलिए द लगा दिए, और चूंकि थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो गया तो इसके साथ आर आ जाएगा, ठीक है। फिर कॉम्प्लीमेंट ब्लैक, गाय काली है, द काउच आर ब्लैक। अब यह म व्यस्त है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख लो मदर, और अभी मैंने आप लोगों को बताया था मदर फादर इनके साथ हमेशा इज लगेगा, तो यहाँ पर इज लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट बीजी, माँ व्यस्त है, मदर इज बीजी। अब है पिताजी तैयार हैं तो फादर, इसके साथ भी इज लगेगा, फिर कॉम्प्लीमेंट रेडी, ठीक है। पिताजी तैयार हैं, फादर इज रेडी। अब है मैं दयालु, तो देख लो आई के साथ हमेशा एम आता है, ठीक है। तो पहले आई लिखेंगे, उसके बाद एम लिखेंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट में क्या है काइंड, मैं दयालु हूँ, आई एम काइंड, मैं दयालु और नेक हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और आई के साथ हमेशा एम आता है तो एम लिख देंगे। इसके बाद अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर क्या है दयालु और नेक, तो इसका इंग्लिश लिख देंगे, ठीक है, काइंड एंड जेंटिल, ठीक है। और एक चीज और बता देता हूँ, एम इज आर का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दयालु और नेक कॉम्प्लीमेंट में क्या है कितना है उससे कोई मतलब नहीं है, सब्जेक्ट जो है उसके अनुसार एम इज आर आएगा, ठीक है। अब हम लोग धनी हैं तो सब्जेक्ट क्या हुआ वी, वी के साथ क्या आता है आर आता है तो आर लगाएंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट में है रिच तो रिच यहाँ पर लिख देंगे, हम लोग धनी हैं वी आर रिच। अब है हम लोग धनी और स्वस्थ हैं, पहले आप सब्जेक्ट लिख लो, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है वी है, वी के साथ हमेशा आर आता है तो आर ही आएगा, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट में जो यहाँ पर है धनी और स्वस्थ, सीधा इसे यहाँ पर इंग्लिश करके लिख देना है, ठीक है, रिच एंड हेल्दी, ठीक है। हम लोग धनी और स्वस्थ हैं, वी आर रिच एंड हेल्दी। अब है तुम युवा हो तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, अब यू चाहे सिंगुलर नंबर में हो चाहे प्लूरल नंबर में हो हमेशा इसके साथ आर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट तो यंग, ठीक है, तुम युवा हो यू आर यंग। अब है तुम युवा और स्वस्थ हो, पहले आप सब्जेक्ट लिख लो, ठीक है, और यू के साथ हमेशा आर आता है तो आर लिख देंगे। अब कॉम्प्लीमेंट में क्या है युवा और स्वस्थ, तो इसका इंग्लिश सीधा लिख देना है, ठीक है, यंग एंड हेल्दी, ठीक है, तुम युवा और स्वस्थ हो, यू आर यंग एंड हेल्दी। अब है वह दयालु और नेक है, यहाँ पर आप देखो सब्जेक्ट क्या है वह, तो ही के साथ क्या आता है इज आता है, ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसके साथ इज लगा देंगे, और उसके बाद दयालु और नेक जो है इसका इंग्लिश सीधा लिख देना है क्योंकि ये वाक्य पूरक है, ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर काइंड एंड जेंटिल,
ठीक है, वह दयालु और नेक है, ही इज काइंड एंड जेंटिल। अब है वे लोग बहादुर और चालाक है, ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दे, अब दे के साथ हमेशा आर आता है तो आर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बहादुर और चालाक, तो इसका इंग्लिश लिख देंगे सीधा, ठीक है, ब्रेव एंड क्लीवर, ठीक है, वे लोग बहादुर और चालाक है, दे आर ब्रेव एंड क्लीवर।